गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड द लेसन नेम इज टॉमी इज लॉस्ट। ओके, यूनिट 8, लेसन नंबर 2, टॉमी इज लॉस्ट। ओके, वंस देयर वाज अ बॉय, हिज नेम वाज जॉय। एक लड़का था, उसका नाम जॉय था। जॉय हैड अ डॉग, द डॉग्स नेम वाज टॉमी। Joy liked Tommy very much. Joy said, "Come, Tommy, let us go for a walk. It is very hot. We will go to the pond." Joy and Tommy एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और Joy ने कहा Tommy से हम walk के लिए जाते हैं और वो बहुत गर्मी के दिन थे तो हम pond के पास जाएंगे walk के लिए। Joy and Tommy began to walk. The pond was inside a forest, लेकिन वो पॉन्ड फॉरेस्ट के अंदर थे। Suddenly, Tommy saw a fox passing by. Tommy ran after the fox. Stop, Tommy, stop! shouted Joy. अचानक Tommy ने fox को जाते हुए देखा तो Tommy fox के पीछे पीछे भाग रहा था। Stop, Tommy, stop! But Tommy रुका नहीं। Joy ran after Tommy, but he could not catch Tommy. Oh, Tommy is lost. Joy ran Tommy के पीछे भाग रहा था, but Tommy को catch नहीं पकड़ सका, Tommy तक नहीं पहुंच सका। Oh, Tommy is lost. Tommy गुम हो गया। Cried Joy, cried यानी रोना, Joy रो रहा था। जॉय सैट ऑन अ स्टोन एंड सॉफ्ट। क्राइड जॉय, जॉय सैट ऑन अ स्टोन एंड सॉफ्ट। ओके, जॉय एक स्टोन पत्थर पे बैठा एंड सॉबिंग कर रहा था। सॉबिंग यानी मराठी में हुंद के देत होता। ओके, टॉमीज गॉन एंड I am lost. टॉमी तो चला गया और मैं भी गुम हो गया, क्योंकि वो फॉरेस्ट में गए थे वॉक के लिए। What will I do? अब मैं क्या करूँ? He cried. रोते रोते वो वही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। Then Joy saw Tommy coming back soon. Joy ने देखा टॉमी जल्दी वापस आया था, रिटर्न आया था। Joy hugged Tommy and cried in joy. Joy टॉमी को बहुत पसंद करता था, वो अच्छे दोस्त थे तो वो खुशी के मारे रोने लगा और उसने टॉमी को हग किया, गले लगाया। ओके, देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? आई एम स्टिल लॉस्ट। I am still lost, but I have you, he said. क्योंकि वो फॉरेस्ट में बहुत अंदर तक चले गए थे फॉक्स के पीछे रन करते करते, लेकिन एक दूसरे को मिल गए थे, इसलिए जॉय को लगा कि हम खो तो गए हैं लेकिन मेरे पास अब तुम हो, टॉमी है मेरे पास। डोंट वरी जॉय, आई नो द वे, सेड टॉमी। टॉमी ने कहा जॉय बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे ये घर जाने का रास्ता पता है। We will go and Tommy and Joy reach home safely. Tommy and Joy अच्छे से safely घर पे पहुंच गए। ओके, राइमिंग वर्ड उस दिन हमने सॉल्व किए थे। फॉक्स बॉक्स, फॉक्स से वे, पैंड रैन, पॉट हॉट, बॉय जॉय। ठीक है, टुडे वी विल सी द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वॉज जॉय? सी Who was Joy? Joy was a boy. Whom did Joy like very much? Joy को कौन पसंद था? Joy liked Tommy very much. Okay. Then whom did Tommy see coming? See here children. यहाँ पे हमने लेसन में देखा था कि टॉमी को आते वक्त जॉय ने देखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक मिस्टेक है। Whom did Tommy see coming back? टॉमी ने किसी को आते नहीं देखा, जॉय ने आते देखा है। तो ये क्वेश्चन में हम चेंजेस करेंगे, हुम डिड जॉय सी कमिंग। ओके, तो जॉय सॉ
Tommy coming back? Okay, this is the question and this is the answer. Okay, the next one is, why did Joy cry? जॉय रो रहा था ना टॉमी लॉस्ट होने से. देखो, जॉय क्राइड बिकॉज टॉमी वॉज लॉस्ट. जॉय रो रहा था क्योंकि फॉक्स के पीछे पीछे भागते भागते टॉमी गुम हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट है, हु डिड लीड जॉय होम होम. ओके, होम, हु डिड लीड जॉय होम. जॉय को घर जाने के लिए किसने मदद की, किसने वो जिम्मेदारी उठाई थी जॉय को घर तक पहुंचाने की? जॉय ने कहा था कि आई एम स्टिल लॉस्ट, मैं अभी तक गुम हो गया हूँ, लेकिन मेरे साथ टॉमी है. तो टॉमी ने उसको एश्योरेंस दिया था, उसको कहा था कि डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं आपको घर तक पहुँचाऊँगा. वैसे हु डिड लीड जॉय होम, टॉमी लेड जॉय होम, LAID लेड, लीड लेड. ओके, ये चेंजेस आपको करने हैं, ध्यान में रखो आंसर लिखने टाइम कौन कौन से चेंजेस करना जरूरी है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक दैट जॉय एंड टॉमी आर बेस्ट फ्रेंड, व्हाई? सी चिल्ड्रन, एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं. आपको लगता है जॉय एंड टॉमी बेस्ट फ्रेंड्स है एंड वाई, क्यों है बेस्ट फ्रेंड? देखो, इसका आंसर ऐसे लिखते, या ऐसे दो क्वेश्चन रहते हैं ना एक ही क्वेश्चन में, तो उसका आंसर ऐसे आएगा, यस कॉमा जॉय एंड टॉमी आर बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है उसका कारण है. बिकॉज का मतलब है कारण, क्योंकि कारण, दे लाइक्ड ईच अदर, उन्हें एक दूसरे को वो दोनों पसंद करते हैं. दे लाइक ईच अदर, जॉय एंड टॉमी एक दूसरे को पसंद करते हैं, सो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके, ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर ऐसे लिखते हैं, येस, डू यू थिंक जॉय एंड टॉमी आर बेस्ट फ्रेंड, येस दे आर बेस्ट फ्रेंड, येस जॉय एंड टॉमी आर बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज दे लाइक ईच अदर. ओके, ऐसा आंसर लिख. And the next question is, answer, fill in the blanks. See, Joy liked Tommy very much. Joy and Tommy began to walk. Tommy saw a fox passing by. And Tommy and Joy reached home safely. See here. Just like you have to write on in your notebook. Fill in the blanks. Okay, children. And the last question is, write a few lines on your favorite pet. Children, मैंने आपको पहले ही एक काऊ का ऐसे दिया था. You can write same like that. But आपको जो pet पसंद है उसी के ऊपर आप खुद भी थोड़े lines लिख सकते हो. ठीक है? Okay. Write this, answer the following and fill in the blanks in your notebook, English notebook. Okay, bye.